गाइस, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी न्यू ईयर। तो सुबह मैं आ गई हूँ, आप देख सकते हैं छत पे, और बहुत अच्छा लग रहा है। और टाइम अब देखिए, धूप भी निकल चुकी है और टाइम हो गया है 10 बजे का। अभी मैं लाइब्रेरी गई नहीं हूँ, बस थोड़ी देर में जाऊँगी। और तो हैप्पी न्यू ईयर अगेन। और कल वाला ब्लॉग जो 31st का था, वो आज मैं एडिट कर दूँगी और शाम तक फिर डाल दूँगी। और हैप्पी न्यू ईयर, बस यही है। और नया साल, नया दिन, नई सुबह और नई उम्मीद, नई उमंग, सब कुछ नया। और तो पिछला साल भी बहुत अच्छा रहा, और हमारे घर एक छोटा सा बेबी भी आया, और भी मतलब वो तो लास्ट ईयर ही, मतलब लास्ट मंथ ही आया है, बट फिर भी बहुत अच्छा था। और आने वाला साल भी उम्मीद करते हैं, उम्मीद नहीं, भगवान से विश करेंगे कि सबका अच्छा हो और सबकी अच्छी अच्छी विशेज पूरी हो। और तो क्या, यही है कि सबकी सारी विशेज पूरी हो जाए, है ना। सब खुश रहे, सब सब जो भी है, जो ये सोचता है कि ये दुखी रहे, नहीं, कोई नहीं, मतलब सब खुश, खुशी हो सर, चारों तरफ खुशी खुशी हो, और दुखी कोई भी ना हो। मैं तो यही विश करूँगी। और क्या ही बोल सकते हैं, सुबह सुबह है, छत पे बहुत अच्छा लग रहा है, धूप भी बहुत ज़्यादा अच्छी आई हुई है, और यहाँ बैठे हैं पिजन्स बहुत सारे, हमारे ना पिजन बहुत ज़्यादा है, और चारों तरफ पिजन, इधर भी पिजन बैठे हुए हैं, इधर भी सारे चारों तरफ, और इनकी आवाज़, चिड़िया की भी आवाज़ आ रही है, तो फिर अच्छा लग रहा है छत पे आके। सुबह सुबह डेली आना चाहिए, बट सुबह ना मैं लेट हो जाती हूँ, क्योंकि सुबह अभी मैंने झाड़ू भी लगा लिया, बट आज मेरे को आना था सुबह सुबह छत पे, तो मैंने टाइम निकाल के कैसे भी आ गई। 10 बज रहे हैं, 10 बजे मैं निकल जाती हूँ बेसिकली घर से, बट आज मैंने सोचा थोड़ी देर आपके साथ बातें करती हूँ छत पे, और देखिए बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अभी थोड़े ही दिन जाऊँगी लाइब्रेरी में, और उसके बाद फुल टाइम आपके साथ। और एक मैं चैलेंज वीडियो बनाऊँगी, मतलब 30 डे 30 ब्लॉग डेली, मतलब अब तो मेरे से छूट जाते हैं, जैसे ही मेरे एग्ज़ाम कंप्लीट होते हैं उसके बाद डेली मैं 30 डे का, कुछ भी हो जाए, कुछ भी मेरे साथ कुछ भी हो जाएगा, मतलब मैं शुरू कर दूँगी। चलो देखती हूँ उसके बाद देखूँगी एग्ज़ाम के बाद कौन सी डेट सही रहेगी ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए, 30 डे 30 ब्लॉग, और ठीक है, और भी देखेंगे। और उसको अगर 30 डे मेरा कंप्लीट हो गया ये चैलेंज, मतलब आज न्यू ईयर के दिन कर रही हूँ, तो फिर उसको आगे कंटिन्यू रखेंगे, फिर 30 का 40 कर देंगे, 40 का 50 कर देंगे, और चलो देखेंगे मैं कर पाती हूँ या नहीं, कर पाती हूँ नहीं, मैं करूँगी। तो फिर पीछे देखो, अच्छी लग रही है, ग्रीन ग्रीन पेड़ है ना, थोड़ी सी धुंध है अभी, बट अच्छे लग रहे हैं। और तो गाइस, तो आज मैंने ये पहना है, पोंचू डाल रखा है, और कैसे दिखाऊं, चलो दिखाती हूँ आपको ड्रेस मेरी, क्या पहना है मैंने, यहाँ रखती हूँ जेब पे, ठीक है, ये देखिए, तो मैंने यही पहना आज, पोंचू पहना है, और इसके नीचे पहनी है वाइट कलर की जींस। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को न्यू ईयर पे, है ना। आई होप आप सभी का दिन भी अच्छा हो, आप सभी का साल भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो, विश करूँगी मैं, जो जो मुझे देखते हैं, मेरे व्यूअर हैं, मेरे सब्सक्राइबर का, सबका साल बहुत ज़्यादा मस्त जाए, उनकी जो जो विशेज़ हैं वो सारी पूरी हो, मैं विश करूँगी भगवान से। ओके, तो चलो जाती हूँ मैं लाइब्रेरी में, और ओके बाय, बाद में मिलते हैं, दिन में नीचे जाऊँगी, और मन निकला फिर वैसे नीचे जाने का, बहुत अच्छी धूप निकली हुई है। देखिए ये मेरे लड्डू बैठे हैं, हुडी पहन के, आज हुडी पहनी है, और
एंड देखिए हैप्पी न्यू ईयर लड्डू की तरफ से आप सभी को। हुडी पहन के कितने प्यारे लग रहे हैं ना। चलो ओके, मैं लाइब्रेरी जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आके आप लोगों से। तो गाइस हम आए हैं लाइब्रेरी के छत पे और आज होगी हमारी न्यू ईयर की पार्टी। ओके तो गाइज अब हम सब खा रहे हैं समोसा, यम्मी यम्मी। बटमों में पानी तो गाइज ये है पता नहीं स्पंज 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 वाले साइड रसमलाई है, पता नहीं रसगुल्ले है, इनको खुद को नहीं पता क्या ही है। गाइज ये देखिए, टेस्ट करके बताती हूँ। सुमन की शादी में ये कुछ है स्पंज वाला रसगुल्ला टाइप, वो भी स्पंज वाला रस। तो ये खा लिया अब ये और फिर आज तक टेन तो तू ज्यादा ही तरफ बोक रहे। वाओ सोस। हाँ एक काम कर दे तू, अपने के नाम है तेरो विकेस कड़वासरा। हाँ कड़वासरी कड़वी है तू, एक तो टेस्ट तो कर देख ले। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ घर और घर आते ही मुझे क्या दिखाई दिया कि रूही ने ये क्या पहन रखा है। वाओ और ये लेके आई है मेरी बहन आरती रूही के लिए न्यू ईयर गिफ्ट। तो रूही के लिए सरप्राइज न्यू ईयर गिफ्ट रहा, तो कैसा लगा रूही? अच्छा अच्छा लग रहा है। हाँ। ओ पसंद आ गया। हाँ। इसे ये बहुत बहुत टाइम से चाहिए था है ना, मेरे को इसने कल ही बोला था। तो ये देखिए मैंने पहन के देखा, बहुत ज्यादा गर्म है, पहनते ही एकदम ना मेरे कान बिल्कुल ठंड ठंडे थे, गर्म हो गए अब। अरे ये भी गर्म है क्या? ना बिल्कुल ठंडा है। अच्छा चलो ठीक है, फ्रेश होती हूँ थोड़ी देर। देखो इस लड़की ने क्या, तो आज तो लाइब्रेरी में फुल मजा आ गया, लाइब्रेरी में किसको मजा आता है। और हमें आया बिकॉज हमने क्या क्या खाए, पिज्जा खाया और समोसा आलू वाला, और क्या खाया, गुलाब जामुन खाया, और भी बहुत सारी चीजें खाई मस्त मस्त। और रूही का पेट मत दुखाना। नहीं नहीं तू मत दुखा रहा, ये तो नहीं दुखाएंगे। चलो तू खाएगी। हाँ। चलो थोड़ी देर में मिलती हूँ, ये मेरा पेट ना दुखाएगा। तो गाइस देखिए हमारे नीलांश की तरफ से भी आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर बोल दो सभी को, बोल दो हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर ऑल, हैप्पी न्यू ईयर टू। ओके तो गाइस देखिए ये पकोड़े बने हैं और आर्यन ने ये अपनी डाली चटनी और नारियल की चटनी, और ये डोसे वाली चटनी है ये, मतलब ये शायद मैं बोल रही हूँ ये कहाँ से आई अपने घर, बोला कि मैं परसों लेके आया था डोसा, तो मतलब उसकी है ये, और इसने मुझे भी नहीं बताया, इसने अकेले ने खा लिए इस लड़के ने पकोड़े। और चलो पकोड़े तो आज मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि आज मैं लाइब्रेरी में बहुत सारे वो खा लिए थे ना, समोसा वगैरह पिज्जा वगैरह, तो शायद मेरा इतना ज्यादा तला हुआ खाऊंगी तो पेट खराब ना हो जाए कहीं, तो इसीलिए मैं पकोड़े नहीं खाने वाली। और मेरा मन तो इतना कर रहा है ना इनको गरम गरम देख के खाने के लिए, पालक के पकौड़े यार बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं, बट नहीं खा सकती बिकॉज फिर मेरा पेट खराब हो जाएगा। ओके तो आई होप यू गाइज आपको आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा,
तो अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। ओके बाय।